नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। ये रिकॉर्डिंग मैं आज ट्यूसडे 5 मार्च को मार्केट बंद होने के बाद कर रहा हूँ। यूजुअली हम एवरी ट्यूसडे को करते हैं, जिसमें हम एफएनओ के डेटा का एनालिसिस करते हैं और जो एक्सपायरी डेज है, वीकली एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, उसमें क्या डेटा सजेस्ट इंडिकेट कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, इसके ऊपर हम सब डिस्कशंस करते हैं। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट्स का पॉजिटिव रहा है। निफ्टी रिकॉर्ड हाईस पे ट्रेड कर रहा है, बट मार्केट ब्रेथ पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ी वीक हो रही है। मार्केट ब्रेथ की जब हम बात करते हैं, मार्केट ब्रेथ यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, कंपेयर टू जितने डिक्लाइंस है। सो मार्केट ब्रेथ वीक हो रही है, मतलब यहाँ पे मोर एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशंस चल रहे हैं। अब आप सेक्टर्स में देखेंगे तो आईटी वीक है, जिसके कारण आज भी देखेंगे तो रिलेटिवली निफ्टी इतना ऊपर नहीं जा पाया। और सामने ऑटो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो ऑयल एंड गैस सेक्टर वो भी काफी अच्छा कर रहा है, पीएसयू नेम्स अच्छे कर रहे हैं। सो देयर आर सम पॉकेट्स, इसके सामने मिड कैप इंडेक्स देखे तो वो प्रीवियस हाईज अब तक क्रॉस नहीं कर पाए, तो कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि जहां पे आउट परफॉर्मेंस हो रही है, वो मार्केट्स की तेजी के साथ में कंटिन्यू हो रहा है, और कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि जहां पे करेक्शंस आ रहे हैं। सो आपको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक सेक्टर्स है या कौन से पॉकेट्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उनसे दूर रहिए, और जो स्टॉक्स ये तेजी में अब तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपमूव कंटिन्यू रख रहे, उन्हीं सेक्टर्स को पार्टिसिपेशन करिए, राइट। सो नेगेटिव मार्केट ब्रेथ यूजुअली थोड़े से साइंस रहते हैं कि हमको थोड़े कॉशियस रहने चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अब तक कोई ब्रेक नहीं हुए, और क्योंकि ब्रॉडली हमने देखा है कि रिसेंटली भी जो भी डिप्स आए थे, वो डिप्स में नीचे के लेवल से वापस से बाइंग आई है। सो इसीलिए बेहतर है कि ट्रेंड के साथ में ही रहे। इंडिया विक्स भी कंफर्टेबल रेंज में वापस आ गया है, रिसेंटली 16.5 के आसपास गया था, बट अब फिर से अपनी 14-15 की रेंज में है। रोल ओवर डेटा में अगर पिछले वीक जो मंथली रोल ओवर्स हुए थे उनमें देखिए तो निफ्टी के रोल ओवर्स इन लाइन विद एवरेज थे, बट बैंक निफ्टी में रोल ओवर्स अपने 3 महीने के एवरेज से कम हुए थे। तो जो फ्रेश पोजीशंस बन रही है वो बैंकिंग स्पेस में शायद ज्यादा बन सकती है, सो इसीलिए बैंकिंग इंडेक्स को थोड़ा मोमेंटम ज्यादा मिल सकता है। एफआईएस के डेटा देखें तो एफआईएस तो नेगेटिव है पिछले 2 महीने से। पहले फरवरी महीने में पूरे कैश सेगमेंट में पूरे महीने में 16,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की, हालांकि ये महीने की अब तक शुरुआत हुई और इस महीने लास्ट 2-3 दिनों में इतनी बड़ी सेलिंग फिगर्स उनके नहीं आई है, बट स्टिल अगर उनके इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशंस देखें तो ज्यादातर पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे है। 50,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके, और उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सिर्फ 38% है, यानी 62% पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे है। तो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और ये इनकी शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर उन्होंने की है। सो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो मार्केट्स थोड़ा सा करेक्ट होगा जिसमें ये अपनी पोजीशंस इंटैक्ट रखेंगे, या फिर अगर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे जाता है और ये मोमेंटम नहीं रुकता है तो ये शॉर्ट्स भी कवर होने को आएगी, जो मार्केट को और मोमेंटम फिर देगा। सो डेटा के कैसे चेंजेस होते हैं ये नेक्स्ट 2-4 दिनों में, ये हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर नजर रखेंगे। जो हमारे मॉर्निंग के वेबिनार होते हैं 11:30 से 12, उसमें हम डेली ये डेटा डिस्कस करते ही है। ऑप्शंस के डेटा काफी इंपॉर्टेंट है देखना और उसको एनालिसिस कंटिन्यूस करना जब आप एफएनओ में या ऑप्शंस में स्पेशली ट्रेडिंग करते हो। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं आपको ये चार्ट्स पे दिखाऊं ऑप्शंस के डेटा तो ये आपके सामने है, राइट। सो यहाँ पे निफ्टी के डेटा अगर देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये रेड बार आप देख सकते हैं जो 22,200 के पुट में, जहाँ पे 82 लैक्स ऑलमोस्ट 83 लैक्स के ओपन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। सो 22,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मार्केट नीचे आता है कल परसों और ये 22,200 में अनवाइंडिंग होती है तो ही कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन देखिएगा, अदरवाइज इवन ग्लोबल मार्केट्स में जो हम थोड़ी बहुत करेक्शन देख रहे हैं उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा हमारे मार्केट्स पे। 22,200 का सपोर्ट ओआई के हिसाब से, 22,200 के नीचे फिर मेजर सपोर्ट 22,000 के पुट में है जहां पे 76 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट है। आप अगर रेड बार और ग्रीन बार्स को कंपेयर करेंगे तो इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, हालांकि थोड़ा रेजिस्टेंस जोन 22,400 से 22,500 ही है। 22,400 में 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 22,500 में 58 लैक्स का तकरीबन ओपन इंटरेस्ट है, तो ये रेजिस्टेंस जोन तरीके से देखा जाएगा नेक्स्ट 2 दिनों के। सो ये रेंज है जिसमें मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट देखें तो इतने ज्यादा ओआई वहां पे नहीं है, बट लेकिन 47,300 और 47,000 ये 2 सपोर्ट्स है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से, और इमीडिएट हैंडल 48,000 के कॉल में जहां पे लगभग 28 लाख का ओआई है, 48,000 का रेजिस्टेंस है, 48,000 के ऊपर फिर हमें अच्छी मोमेंटम बैंकिंग इंडेक्स में देख सकते हैं।
राइट सो ये आपके सामने इंट्राडे लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो आपको कल परसों काम अकल काम आ सकते हैं, राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। सो याद रखिएगा, सपोर्ट के आसपास शॉर्ट्स मत कीजिएगा, और रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट चल जाए और रेजिस्टेंस के आसपास आए, मिस आउट फीलिंग हो, तो भी वहां पे लॉन्ग्स पोजीशंस मत बनाएं, क्योंकि मार्केट ब्रॉडली एक रेंज में रहने वाले जैसे ओआई के डेटा इंडिकेट कर रहा है। तो अब एक्सपायरी डे पे करना क्या है? अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है, हम ऑल्दो मार्केट ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव थोड़ा देख रहे दो दिनों से, लेकिन प्राइस वाइज सपोर्ट्स इंडेक्स के ब्रेक नहीं हुए। जो पिछले एक डेढ़ महीने में टाइम वाइज करेक्शन हमने देखा, उसमें जो डिप्स आए 40 EMA सपोर्ट बना, फिर हम वापस नए हाईस बना रहे। सो जब तक ऐसे प्राइस वाइज सपोर्ट्स नहीं ब्रेक होते, तब तक बेटर है कि ब्रॉडर ट्रेंड के साथ में ही रहे। ट्रेड विद अ बाय ऑन डिप अप्रोच फॉर द एक्सपायरी डे। कल मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद में जो फर्स्ट डिप आएगा, तो डिप में लोअर लेवल्स पर बैंकिंग इंडेक्स के और कॉल ऑप्शंस, एट द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश कीजिएगा। सपोर्ट्स हमने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में बताया है। आईटी में जब तक प्रेशर है, तब तक शायद निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। तो बैंकिंग और बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स पे भी अपनी नजर जरूर रखेगा, जो आपको थोड़ा इंडिकेशन देगा कि आपको ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करनी है तो वेदर निफ्टी में जाना चाहिए या बैंक निफ्टी में जाना चाहिए। आज का तो जैसा मूव था, वैसे तो बैंकिंग इंडेक्स में जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, तो बेटर है कि बैंकिंग इंडेक्स के साथ साथ नहीं रहे। सो ओवरऑल यही रेंज है, अभी फिलहाल हम 22,200 का पहला सपोर्ट देख रहे हैं, फॉलोड बाय 22,000 लेवल। ये दो लेवल जब तक इंटैक्ट है, तब तक इतने मंदी जैसे साइंस नहीं है। थोड़े से कॉशियसनेस साइंस सेक्टर रोटेशन को लेके, कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स करेक्शन में फोर मोड में है, तो वहां पे आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि ऐसे सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या ऐसे स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां उनसे थोड़ा फिलहाल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से दूर रहिए। ऑटो देखिए, पीएसयू बैंक्स देखिए, कि जहां पे मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग है, आई थिंक वो प्रेफरेंस ज्यादा उनको देना चाहिए। राइट, आई होप नो ये लेवल्स आप ध्यान में रखेंगे और आपको ट्रेडिंग के लिए काम आएंगे। बाकी इसके अलावा ये कल सुबह ये स्ट्रेटेजी यूज कीजिएगा बाय ऑन डिप्स की। फिर जो भी डेटा रहेगा वो हम फिर से कल 11:30 बजे के लाइव मार्केट वेबिनार में डिस्कस करेंगे, तो मुझसे फिर से जुड़ना ना भूले 11:30 से 12 कल वेबिनार में। टिल देन गुड बाय। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।